जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों लोकोमोटिव देख करके तो आप समझ ही गए होंगे, मैं हूं इंदौर में और आज एक नया सफ़र लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग उदयपुर तक ट्रैवल करने वाले हैं वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस में। नाम के साथ साथ इसका रूट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पीछे खड़ा हुआ है मीटर गेज का स्टीम लोकोमोटिव, जो कि अपनी सर्विसेज को काफ़ी लंबे समय तक देता रहा है। यहाँ से मीटर गेज का बहुत ही बड़ा सेक्शन हुआ करता था, अकोला रतलाम इन सभी रूट से मीटर गेज ट्रेन जाया करती थी। इंदौर की अपनी अलग ही वैल्यू, आप लोगों ने कई बार मेरे साथ जर्नी की है मीटर गेज ट्रेन में। इंदौर से हम लोग महू होकर के कलाखंड पातालपन इन सभी रूट को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है। चलिए आज की यात्रा को शुरू करते हैं वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस में। हमारी ट्रेन यहाँ लगा दी जा चुकी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंदौर में 4 प्लेटफॉर्म अलग हैं और 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म थोड़ा दूरी पर है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 1 नंबर से जाती है हमारी ट्रेन। और लोकोमोटिव से बात की जाए तो एसी के कोचेस आगे की ओर पड़ते हैं, पहले 2 टायर उसके बाद 3 टायर पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज हम लोग एसी 2 टायर में यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, मतलब इंदौर के बारे में क्या तारीफ करूँ। जब जब आता हूँ एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से कहता हूँ कि बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। आज भी कोविड के दौरान भी ये सब चीज़ें मेंटेन की गई हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। ट्रेन का हमारी यहाँ से डिपार्चर 5:40 का है। दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम हम लोग अब चल चुके हैं इंदौर जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारा डिपार्चर हो रहा है और बाकी 2, 3, 4 आप अभी देख सकते हैं सामने। WAP-5 लोकोमोटिव लगा हुआ है हमारी ट्रेन को। अलविदा इंदौर जंक्शन, फिल मिलेंगे जल्दी ही। अलविदा इंदौर, मिलेंगे जल्दी। दोस्तों ये है इंदौर का प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, जो कि थोड़ा दूर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 से, पर ये दोनों कनेक्टेड हैं, आप पाथवे से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उधमपुर एक्सप्रेस चलने को तैयार, वो भी जैनी वीडियोस देखने के बाद। आप लोग का भी मन करता होगा कि आप भी ट्रिप पे निकलें, पर ऐसे में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सामने आ जाती होंगी, जैसे कि घर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीज़ें। आई फील लाइक कि हमें यहाँ से में भाग जाना चाहिए, पर ये कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा कि ऐसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हम लोग अलग निकल जाएँ। तो दोस्तों आज मैं आपको वाइजली ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो एक फाइनेंशियल वेलनेस ऐप है, जहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं और अपनी इन सेविंग को फ्यूचर में अच्छी अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ट्रिप हो या फैमिली की कोई भी ज़रूरतें। जैसे ही आप वाइजली ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं? मुझे तो लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और सेविंग्स हो जाती हैं इससे, जो कि फ्यूचर में बहुत काम आती हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अपना मंथली बजट बना लेते हैं। जैसे कि मैं 25,000 रुपीज़ को अपना मंथली बजट तय करता हूँ। जैसे आप अपना मंथली बजट बनाते हैं, यहाँ पे वेलनेस स्कोर जनरेट हो जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न करने के लिए। और इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम और सेविंग करें, क्योंकि कैशबैक और रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं। यहाँ पे सेविंग प्लान बनाना बहुत ही आसान है, आप मिनिमम 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और अपने सेविंग प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके पैसे हैं ना, काफ़ी सेफ एंड सिक्योर भी हैं। चलिए मैं अपने लिए गोल सेट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपना 5,000 गोल सेट कर लेता हूँ। अगर आपने कोई गोल डिसाइड नहीं किया तो आप पिगी बैंक में इन पैसों को डाल सकते हैं, ताकि यहाँ पे की हुई सेविंग को आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें। और
कई सारे फीचर दिए गए हैं ऐप में। ऑटो सेविंग का भी एक फीचर है जहाँ पे मंथली मंथली एक सर्टेन अमाउंट जो आप तय करेंगे वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और सेविंग्स में चला जाएगा। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, वाइजली आपको डाउनलोड कीजिए और जो रेफरल कोड है ना इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसे डाउनलोड करें और अच्छी अच्छी आदतें उनके अंदर भी आएँ, पैसों को सेव करें और सही कामों में उन्हें यूज़ करें। तो दोस्तों अभी रिव्यू करते करते मैं ट्रेन के थ्री टायर में आ गया और देख लीजिए महमाना के पूछ है कुछ कितने साफ सुथरे अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है और जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं थ्री टायर की, टू टायर के कंपेरिजन में ये काफ़ी ब्रांड न्यू कोचेज हैं इसलिए और लग्जरी लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया है इनका, टू टायर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, नीचे आप देख रहे, नीचे आप लोग देख सकते हैं कैसा है इनका इंटीरियर। यहाँ पे बॉटल होल्डर भी थोड़े यूनिक हैं स्टैप वाले और रीडिंग लैंप दिया गया है थ्री टायर में भी जैसा कि पहले केवल टू टायर में होता था। चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं नीचे भी और साथ में ऊपर भी दो चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। दोस्तों वहाँ पहाड़ में आपको शायद कोई मंदिर देखने को मिल रहा हो, मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग देवस जंक्शन पहुँच चुके हैं और देवस फेमस अपने चामुंडा देवी मंदिर के लिए और तुलजा भवानी मंदिर के लिए। देवस के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारा अराइवल हो चुका है अभी। खैर ज़्यादा देर तो हम लोग नहीं रुके देवस में, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं देवस से एक रास्ता जाता है मक्सी जंक्शन की ओर और दूसरा जाता है उज्जैन की ओर। उज्जैन वाले रास्ते में हम लोग बढ़ने वाले हैं और मक्सी वाला जो रास्ता है वही आगे जा करके भोपाल पहुंचता है। तो अगर आप लोग भोपाल की किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो आप लोग मक्सी जंक्शन होते हुए अपने सफ़र को पूरा करोगे। आप लोगों ने महामाना के इंटीरियर वाला 3AC देखा और ये है अपना 2 टायर का कोच, काफ़ी खाली है लेकिन साफ सफाई और जो सुविधाएं हैं मुझे लगता है 3 टायर में ज़्यादा थी क्योंकि वो लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड महामाना के कोचेस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही चार्जिंग सॉकेट है 4 पैसेंजर्स के लिए और वहाँ पर सभी पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुँच चुके हम लोग उज्जैन जंक्शन।
7:15 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, 7 बजे यानी 7 o'clock के हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब सुहानी शाम और ये प्यारा सा नेचुरल वातावरण। तो दोस्तों हमारे साथ इस सफर में यात्रा कर रहे हैं संदीप भाई, जिनको आप काफी लंबे समय से मिस कर रहे थे कि संदीप भाई क्यों वीडियोस में नहीं आ रहे। हेलो संदीप भाई, कहाँ बिजी थे यार इतने दिन? अरे यार मैं गया हुआ था, थोड़ा सा बाइक ट्रिप पे गया हुआ था, जिस कारण से बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाया। बहुत सारे प्लान्स बने थे इनके, पर मैं बाइक ट्रिप में था, बिल्कुल मैं बाइक ट्रिप में था, इसलिए इनको ज्वाइन नहीं कर पाया। और अभी उज्जैन किस लिए फेमस है भाई? उज्जैन मेरे ख्याल से महाकालेश्वर टेम्पल जो है उसके लिए फेमस है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत में, उसमें से एक यहाँ भी यहीं पे है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और महाकाल है ना, महाकाल से हम लोग आए थे ना, वो मेनली उसी लिए चलाया गया था ताकि इस ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट कर सके, कनेक्ट किया जा सके। बढ़िया है, मतलब काशी विश्वनाथ में भी एक ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल, हमारे बनारस से भी काशी विश्वनाथ जो है वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से। उसी को शायद जोड़ने के लिए काशी महाकाल चलाई गई है ना, काशी से महाकाल के लिए। हाँ भाई, ओके, बहुत बढ़िया। और वैसे उज्जैन स्टेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं, यहाँ से एक रूट नगदा की ओर गया हुआ है और दूसरा रूट मक्सी की ओर गया है, जो कि अराइवल टाइम पे आप लोगों ने देखा ही। और खाने पीने की सब चीज़ें अवेलेबल है, कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और चलते हैं उसके अंदर, उसे रिव्यू करते हैं डिपार्चर के बाद। जिसके लिए किस्मत हमारी काफ़ी अच्छी रही है, खाने पीने का सभी चीज़ अवेलेबल है, साथ में यहाँ गरम गरम ब्रेड पकौड़े भी निकाले जा रहे हैं। इन्हीं का सेवन किया जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे उज्जैन के स्पेशल ब्रेड पकोड़े और ये दो बर्गर आ गए। अगर बर्गर मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो इसमें मुझे लगता है बंधा गोभी भरी हुई है, यानी कैबेज। अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है, सब्जी पाव जैसा स्वाद है लेकिन तीखे हैं। जिनको तीखा पसंद है चाय के साथ जरूर ट्राई करना। प्लस बिल्कुल गरम गरम ब्रेड पकौड़े बन रहे थे, आपको दिखाया ही मैंने, वो भी हैं यहाँ पे। तेल काफ़ी ज़्यादा है यार, संभाल के थोड़ा, देख सकते हो आप लोग। बढ़िया है, बिल्कुल रिकमेंडेड, ब्रेड पकौड़े अच्छे हैं। और MP आते हो तो आपको आकाश ब्रांड की बहुत सारी नमकीनें देखने को मिलती हैं, ये भी मैंने ले लिया था। वैसे इनका स्वाद अच्छा ही रहता है, फिर भी आपको बताऊंगा अब आगे स्टेशन में कि इनका स्वाद कैसा रहा। चलिए मैं इनको फिनिश करता हूँ, अब डिपार्चर का समय हो चुका है उज्जैन से। महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं उत्तर जी, दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन नंबर 09329 पहुँच चुकी है नगदा जंक्शन। नगदा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हम लोग जिस लाइन से आ रहे हैं उज्जैन वाली, वो मिल जाती है दिल्ली रतलाम लाइन से, इसलिए नगदा जंक्शन कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का और काफ़ी साफ़ सुथरा भी है दोस्तों। और यहाँ पर आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, फुल मील्स, बिरयानी, चाय, कॉफ़ी, पोहा वगैरह सभी चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल हैं। तो आपको खाने पीने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इस ट्रेन से आ रहे हो और आपकी ट्रेन नगदा पहुँच रही है तो। यहाँ पर अराइवल टाइम ट्रेन का 8:18 का था और 5 मिनट का हॉल्ट है, पर हम लोग काफ़ी पहले पहुँच चुके हैं, 8:07 के आसपास हमारा अराइवल हो चुका है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, 8:23 पर एग्जैक्टली हमारा डिपार्चर होता है नगदा जंक्शन से। ये एक ब्रिज भी दोस्तों कहीं जा रहा है,
हो सका तो शायद है कि हमारी ट्रेन अभी रिवर्सल के बाद इसी ब्रिज से जाएगी। प्लेटफॉर्म की हाइट देख करके आप बता सकते हो कि ये मीटर गेज कर रहे होंगे। देखिए रतलाम से इंदौर महू होते हुए अकोला तक मीटर गेज ट्रेन थी ये, प्लेटफॉर्म उसका सबूत है आज भी। हाइट वाला प्लेटफॉर्म दोस्तों, निर्धारित समय से हम लोग लगभग 7-8 मिनट पहले पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन। 9:25 का हमारा यहां पे अराइवल था, 9:18 के आसपास हम लोग यहां पहुंचे हैं। और अभी यहां पे हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो रिवर्सल होगा, जिस डायरेक्शन हम आए हैं उसी डायरेक्शन में भी वापस जाएंगे। हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है उसे अब इस तरफ से निकाल दिया गया है और अब वो दूसरी तरफ लगाया जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन से अभी हम आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। रतलाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है दिल्ली मुंबई लाइन का, यहाँ से नीमच की ओर रूट गया हुआ जैसे अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी मुंबई लाइन के लिए तो रेगुलर खूब सारी ट्रेनें हैं, बहुत सारी ट्रेनें और यहाँ से आपको लगभग भारत के हर कोने के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। यही कुछ खास बातें हैं जो रतलाम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन बनाती हैं। तो दोस्तों रतलाम के मीटर गेज सेक्शन वाले प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ। यहाँ खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, समय से पहले आ गए थे आखिर, लेकिन चलिए कुछ बिरयानी या पुलाव कह सकते हो वो चीज़ मिली है, टेस्ट करते हैं कैसा उसका स्वाद। बस ये कहूँगा टेस्ट अच्छा है, टॉलरेबल है, मतलब नॉर्मली जो आपको स्टेशन पर बिरयानी वगैरह मिलती है उस हिसाब से काफ़ी टेस्टी है, पर हाँ घर वाला स्वाद नहीं आएगा। आपकी जर्नी के लिए बेटर रहेगा तो अगर आप रतलाम को अपना एक डिनर पॉइंट चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोग समोसा ब्रेड पकौड़ा ऐसी ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए मैं इसे फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ अपने से डिपार्चर पर। 10 मिनट की देरी ही सही लेकिन हमारा डिपार्चर हो चुका है अभी रतलाम जंक्शन से। और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में आई। एक ज़माने में ये मीटर गेज ट्रेन्स का प्लेटफॉर्म हुआ करता था और अच्छा है हम लोगों ने मेन लाइन वाले स्टेशन तो कई बार देखे हैं, पहली बार हमें ये स्टेशन भी देखने को मिल गया। ये बोर्ड भी थोड़ा छोटा सा लग रहा है। रतलाम में मतलब इधर से मेन जंक्शन रहा है मीटर गेज क्या बोलते हैं, एल्को ट्रेन्स पहले एल्कोस भी थे ना, वाइडियम वगैरह। ये मेन ब्रॉडगेज स्टेशन अभी आपको याद होगा, बिल्कुल इसी ट्रैक से हम आए थे और वापस इसी से जा रहे हैं। निज़ामुद्दीन केवड़िया
शायद है कि अभी हम इस ब्रिज से होकर गुजरे। शायद ही आप लोग को ये नज़ारा मैं दिखा पा रहा हूँ, पर पूरी ट्रेन यहाँ घूम रही है, वो लोको पायलट्स। तो भाई लोग अभी जो हुआ काफ़ी यूनिक चीज़ थी। हमारी ट्रेन रतलाम से निकली, पूरा एक चक्कर उसने मारा और ब्रिज के ऊपर से ज़बरदस्त रफ्तार में गुजरी और रतलाम स्टेशन देखने को मिला। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं आगे आने वाले जो स्टेशन से काफ़ी छोटे छोटे हैं, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़ वगैरह, और मावली सुबह सुबह आता है। ट्रेन हमारी सुबह 5 बजे पहुँच जाएगी उदयपुर भी, तो अब समय हो चुका है थोड़ी नींद करने का, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पहुँचना भी है। और बाकी जो स्टेशन है काफ़ी छोटे हैं, रात के समय आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए खास है नहीं। मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह दोस्तों, गुड नाइट। तो दोस्तों यहाँ 4:40 पर हमें उदयपुर में अराइवल दे दिया गया है। समय था 5 बजे का, काफ़ी पहले अराइवल दे दिया गया है। मैं सो ही रहा था, बस अचानक से मेरा अलार्म बजा और मैंने देखा कि यार गाड़ी अपने समय से पहले ही पहुँच रही उदयपुर। किस्मत है हम लोग की जो हम लोग अराइवल एटलीस्ट देख पाए उदयपुर में, वरना अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करते तो ये भी मिस हो जाता। तो दोस्तों अपने सफ़र को तय करते हुए हम लोग वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस से अब उदयपुर पहुंच चुके हैं। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है स्टेशन में, लेकिन फिर भी उदयपुर मेरा सबसे फेवरेट सिटी है, इसलिए वापस यहां पर मैं पहुंच चुका हूं और कुछ दिन यहां पर स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद मेवाड़ एक्सप्रेस से हम लोग यहां से डिपार्चर लेने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा जल्दी आप लोगों से और ऐसी ही आने वाली जर्नीज़ में। आप लोग एंजॉय करते रहिए ऐसे ही ट्रेन वीडियोज़ को, जर्नी वीडियोज़ को, घर में एंजॉय करिए, खाते पीते रहिए, मैं आप लोग को ऐसे एंटरटेन करता रहूँगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरी जो इंस्टा आईडी वो है ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं ऐसे कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी आने वाले वीडियोस में, तब तक ख्याल रखिए आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।